जाहिर है कि एक तंत्र से वो वीणा बजाई जाती है, और इधर आइए आप यहाँ तो उसमें क्या है, एक तारा। तो सामान्य से जब आप सामान्य तौर पर जब आप अनुसंधान करने जाएंगे तो सीधा सीधी किसी का कहा हुआ आप वहां पर रख देंगे कि हमारे विचार से एक तंत्री ही एक तारा का रूप है, जो दोनों एक ही है, एक तंत्री को ही एक तारा कहा गया। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। वह वाद्य यंत्र अलग है, एक तंत्री वाद्य यंत्र अलग है और एक तारा वाद्य यंत्र अलग है, दोनों की ध्वनि भी अलग है। तो अनुसंधान के क्षेत्र में एक रिक्रिएशन भी चलता है कि मान लीजिए कि मुगल काल में जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते थे, जो संगीत की जो धारा चलती थी, वह जरूरी नहीं कि आज हो, आज रिमिक्स का दौर है, उस चीज को हम इसमें लाके कर देते हैं, इसको हम उसमें लाके कर देते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी चीज हो गई है कि नहीं है। तो हम अगर रिक्रिएशन करें उसमें, मुझे लगता है कि अगर उसमें पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हो कि जो और उसको फिर से बनाया जाए उस वाद्य यंत्र को, और तब उसमें से उस ध्वनि को निकाला जाए, तब हमें ज्ञात होगा कि उस समय जो ध्वनि निकलती थी उसमें और आज जो ध्वनि निकल रही है उसमें कौन सा फर्क है, या फिर क्या फर्क आया है, वह कौन सी ध्वनि है, वह कौन सा नाद है जो पहले निकला था। ओम को कहते हैं नाद, है ना। तो उसको ओम के उच्चारण में भी आप देखिएगा तो उसमें विभिन्नता नजर आ जाएगी हर व्यक्ति के उच्चारण में। तो शोध का विषय भी यह होना चाहिए कि वाद्य यंत्र जो हमारे यहाँ है, जैसे छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए, वहाँ एक भतरा नाट करके एक आता है, या फिर आप नाट्य शास्त्र में चले जाइए तो आपको ना ध्रुपद और गीतक करके आता है। तो ये सब चीजें कैसे हैं और इनकी ध्वनियों में क्या अंतराल आया है, क्या अंतर आया है, कैसे आएगा, या फिर इस पर कोई नई दृष्टि से अगर हम सोचेंगे तो वही हमारे शोध के लिए नई चीज होगी। नई चीज को लाने का ही नाम शोध होता है। पुरानी कही हुई चीज आप कह दीजिए, दिखला दीजिए जो हाँ ये पुराने जमाने में फलाने विद्वान ने ये कहा है, और उस कही हुई चीज की पुष्टि कीजिए कि हाँ इस किताब में भी, इस भाषा में भी इस पर एक बात कही गई है जिसको हमने ऐसे रखा है और हमारी दृष्टि में ऐसा होना चाहिए, तो ये हमारा शोध होगा। तो हमारे पास दो शोध के दो क्षेत्र आए, एक चक्र, एक हो गया रीड पढ़ना, दूसरा हो गया हमारा आइडिया, नए नए आइडियाज को जन्म देना, नए नए विचारों को जन्म देना और उसका पल्लवन पुष्पन करना, तब हम उस चीज को सामने लाएंगे। तीसरा भाई, अब हमारे पास आइडिया भी हो गया, अब हम क्या करेंगे, आइडिया को क्या करेंगे, हमने तो सोच लिया कि एक तंत्री पर हम काम करेंगे, या फिर अस्तित्ववाद पर हम काम करेंगे, या फिर हम मार्क्सवाद पर काम करेंगे, है ना, या फिर हम समानांतर कविता पर काम करेंगे, कहानी पर काम करेंगे। फिर हम उस आइडिया, जब हमारे पास पढ़ने के बाद जब आइडिया आएगा फिर हम क्या करेंगे, उस आइडिया को डेवलप करेंगे, उसको विकास देंगे। कैसे विकास देंगे, तो विकास हम देंगे, केवल उस आइडिया तो है हमारे पास, अब उसको हम खोजेंगे कि हिंदी में क्या कहा गया, अंग्रेजी में क्या कहा गया, या फिर फ्रेंच में क्या कहा गया, जापान में क्या कहा गया। अभी तो हमारे पास अनेक तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, हम ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, ई लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी योजना या अपनी जो हमारी जो विचार उत्तेजना है उसको हम नए नए तौर तरीके से उसको हम डेवलप कर सकते हैं, उसका हम विकास कर सकते हैं। कैसे, तो विकास के लिए आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक मकड़ी को आपने देखा होगा या मकड़ा को देखा होगा, अब मकड़ी है कि मकड़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मकड़ी को ही ले लीजिए कि एक मकड़ी होती है ना, कभी कभी आप देखेंगे कि सीधे ऊपर से लटक के नीचे आ जाती है, इतनी छोटी सी काली सी मकड़ी, हरी सी मकड़ी और भूरी मकड़ी होती है ना, और सीधे ऊपर से आ जाएगी, आपके मुंह पर भी फैल सकती है तो घाव कर देगी, है ना। लेकिन अगर दीवार के कोनों में आप देखिए, या फिर दीवार छोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, वो छोटी सी मकड़ी इतना सुंदर जाल बुनती है, केवल लटक कर आएगी, आपको कुछ नहीं दिखेगा उसमें कि वो कैसे लटक गई और क्या कर रही है, दिखता है, देखा है कभी आपने, विचार किया है। लेकिन कुछ देर बाद या फिर अगले दिन अगर आप देखेंगे तो उसमें एक बड़ा ही सुंदर सा इतना बड़ा जाल बुन लिया होता है ना, डिजाइनदार मेहंदी के डिजाइन की तरह, वो जो सो एकदम इतना कि उसको हटाने में भी लगता है कि कितनी मेहनत से इसने बनाया है, इसको कैसे हटाए। तो ये है डेवलप, कि उसके पास कुछ नहीं है, केवल एक आइडिया है लटकने के लिए एक जाला, और
जाले के द्वारा उसने उस डिजाइन को बनाया है, तो क्या हम मकड़ी से भी गए गुजरे हैं? हंसने की बात नहीं है, लेकिन अभी अभी का जो दौर है, मुझे लगता है कि गांधी जी सब पर मेहरबान है, है ना? तो गांधी जी अगर मेहरबान है तो डिग्री भी मेहरबान है। जो जो सिचुएशन चल रहा है, कितने छात्र छात्राएं इसमें हैं जो स्वयं मकड़ी बनना पसंद करेंगे, आई डोंट नो, है ना? कि तो आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे ये सब भी मुझे पता है, और क्या करने वाले हैं वो भी मुझे पता है। यहाँ बैठ कर आप लोग फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, ठंडा नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, थोड़ी टेक्निक जान लेनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर कुछ पूछ दे तो आप क्या जवाब देंगे, थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहिए। आप भले ही गांधी जी का सहारा ले लें, लेकिन अस्तित्व को तो ढूंढना होगा। गांधी के गांधी दर्शन और गांधी दर्शन करने, गांधी दर्शन करवाने के बावजूद थोड़ा सा तो आपको अपने अस्तित्व को ढूंढना ही होगा। अस्तित्व को नहीं ढूंढेंगे, अपनी नजर के दायरे में जब नहीं समेटेंगे, तो आपका अस्तित्व विलीन हो जाएगा, और कल स्वयं प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आपने क्या किया, आपने इसके बल पर आपने डिग्री बटोरी नौकरी के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नौकरी के लिए भी है तो कोई बात नहीं है, वो सब लोग करते हैं, आप लोग भी कीजिएगा ही, तो कर लीजिए। लेकिन अपनी सोच को विस्तृत कीजिए कि कैसे हम किसी नई चीज को खोजें। नई चीज को खोजने के लिए आदमी को गलना पड़ता है, सोना को गलना पड़ता है, तब वो आभूषण के रूप में हमारे सामने आता है। चांदी को ओरिजिनल जो उसका स्वरूप है उससे गलना पड़ता है, तभी वो हमारा आभूषण बनता है, ऐसे नहीं बनता है। फूल अगर एक है, उसको माला बनाने के लिए उसको पिरोना पड़ता है, तब आप माला बनाकर भगवान को पहनाते हैं या फिर किसी को पहनाते हैं, तो पिरोना पड़ेगा, गूंथना पड़ेगा, एक एक फूल को, एक एक पुष्प को, एक एक पत्तियों को, तब बंधनवार लगेगा। तो शोध भी उसी प्रकार का एक बंधनवार है जिसको हम एकदम से उसको सजाते हैं। तो रीड कर लिया आपने, विचार आइडिया हो गया आपको, डेवलप भी आपने कर लिया। अब डेवलप के बाद आप क्या करेंगे, आप ही सोच के बताइए कि जब डेवलप भी हो गया आपका, मकड़ी का जाला तैयार हो गया, अब आप क्या करेंगे? योजना बनाएंगे कि डेवलप करने के बाद आप योजना बनाएंगे कि अब मैं क्या करूं, या करूं तो कैसे करूं, है ना? योजना किसको कहते हैं? योजना आप जब बनाइएगा कि इसको अब हम कैसे सीरियलाइज्ड करें, जैसे कुछ आपने पढ़ा तो किसी पेज पर अगर आपको कुछ दिखाई दिया, किसी पेज पर आपने देखा कि ये हमारे लायक, हमारे विषय के लायक ये है, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे किसी, तो उसका वो पृष्ठ संख्या भी आप लिख लीजिए। पृष्ठ संख्या के बाद आप उसको उसका संस्करण लिखिए, उसके लेखक का नाम लिखिए, तब जाकर आपका वो, और योजना बनाते चलिए। हर अध्याय के लिए अलग अलग पृष्ठ संख्या, अलग अलग आपका संस्करण और लेखक, समझ गया ना, और पंक्तियाँ उद्धरण, तो यह योजना के अंतर्गत आएगा। उस योजना के अंतर्गत आप सारी चीजों को जब आप ले आएंगे, तो योजना के बाद अब योजना बन गई आपकी कि हमारे पास सामग्री, हमारे पास उपलब्ध हो गई। देखा होगा आपने, अब तो नहीं मिलता है उस तरह से देखने को, कि ऊन, ऊन जानते हैं ना, ऊन जो होता है, ऊन को कैसे बुना जाता है, एक स्वेटर तैयार करना किसी के लिए, बच्चे के लिए हो, सयाने के लिए हो, कितना कठिन होता है। शोध भी हमारा, शोध ग्रंथ भी हमारा उसी तरह